कितनी मेहनत करके यहाँ पहुंचे हैं और ढूंढा अपने की क्वालिटी मशीन कौन देगा। चल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही जगह हैं। चलिए बिल्कुल। मैं आपको दिखाता हूँ एक प्रोडक्ट एक चीज ऑर्डर। मैं और भी कहना जी जी चाहता हूँ। बताइए। अभी मैं जब इन कर रहा था तो कुछ कस्टमर थे, तो मैं उनका बात ही सुन रहा था। वो मशीन ले गए थे और भी बात बताई कि 5 सालों से कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं, आया, तो मुझे अंदर से लगा कि मैं सही जगह है। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। वो तो तो बस मैं वायदा। नोटिस करता हूँ, मैं ऐसे नहीं, मैं देखा कस्टमर को कि कम से कम उनका तो क्या रिकॉर्ड, वो 5 साल से यूज कर रहे हैं तो उन्होंने बताया, तो मुझे लगा सोनू डन, अब यहाँ पे हम लोग जगह पर आ चुके हैं। जी। हाय सर, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू थैंक यू। और आपका नाम? मेरा नाम सोनू कुमार। अच्छा, और सर आपका? गोविंद कुमार। मैं अमित कुमार, मैं सोनू का फ्रेंड हूँ। ओके, तो आप लोग कहाँ से हैं? बिहार समस्तीपुर से। सो बिहार समस्तीपुर से हैं, ठीक है। तो कैसे लाइक हमारे बारे में कैसे पता चला? हमने हमने इंस्टाग्राम पे आपका बहुत अच्छा, आपका बहुत अच्छा मशीन लगा बहुत, इसलिए मैंने आपको कॉल करके आपके पास आए और से बात कर। समझ। तो वैसे क्या, कौन सी मशीन की रिक्वायरमेंट है आपकी? ओवन चाहिए, दो डिस्क वन ट्रे, मैलिक्स अच्छी, टू डेक, टू डेक फोर ट्रे, टू डेक फोर ट्रे, गैस गैस हो। आप पहले से ओवन चला रहे हैं? हाँ चला मैंने। ठीक है, तो सर आपने सारा मेरे बारे में जानते हैं सारा कुछ, कैसे बिल्कुल बिल्कुल पता? सर, ऐसा है ना कि मेरा दोस्त काफ़ी दिन से काम कर रहा था, तो उसे एक मशीन की और ज़रूरत पड़ी, तो हमें भी दिखाया। अच्छा, तो मतलब सर का ऑलरेडी, मतलब आप काम कर रहे हैं, जी कर रहे हैं, मतलब आपकी डिग्री ऑलरेडी चल रही है? 1.2 शॉप है, एक अच्छा ज्योति होटल है, इस वहाँ से अच्छा अच्छा हो रहा है, इसलिए मैं था पूर्णिया वाला एक मशीन चाहिए था मुझे, अच्छा अभी यूट्यूब पर देखे बहुत अच्छा अच्छा मशीन, तो इसलिए समझ समझ गया। तो मतलब आप काम बढ़ाना चाह रहे हैं इसलिए जी मशीन काम आपके बढ़ाना अपार्टमेंट में चाहिए। है? ओके, तो आप इनके साथ ही ऐसा बिल्कुल आता बिल्कुल, ये मेरा फ्रेंड है, काफ़ी दिनों से है और हम लोग का अच्छा फ्रेंडशिप है रहा है, कोई भी मैटर होता है तो हम लोग एक दूसरे को बताते हैं और सॉल्व सपोर्ट करते करते हैं। हैं? बिल्कुल, तो आपके बारे में इन्होंने देखा तो मुझे दिखाया, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो एक बार विजिट कर लेते हैं। तो फिर आपसे मोबाइल के थ्रू या कांटेक्ट हुआ हम लोग को, तो जी फिर जी जी एड्रेस लोकेशन मैंने लिया, जी उसके बाद मैं चलो चलते हैं, चलो देखेंगे नज़दीक से तो थोड़ा ज़्यादा विश्वास होगा अच्छा, जी तो अभी मशीन के आपको बारे यहाँ आके में। कैसा लग ऐसे रहा है? अच्छा लग रहा है, मैंने आपका रेटिंग वगैरह भी देखा और भी कस्टमर के बारे में देखा, बहुत सारे कस्टमर आपके बारे में जो है अच्छा ही मशीन के बारे में बता रहे थे, तो मैंने कहा चलो एक बार कम से कम रोमा बैक इक्विपमेंट में चलो देख लेते हैं कैसा है। ठीक है सर, ठीक है, चलिए। तो फिर हम लोग आपको टू डे फोर्ट्रे और 20 लीटर मिक्सर दिखा देते हैं। और रही बात, आपने तो सारी प्रोफाइल देखी नहीं है, तो कोई बिल्कुल डाउट तो बिल्कुल, रहा नहीं नहीं होगा। डाउट तो है नहीं, वही डाउट को तो क्लियर करना है, मैंने सोचा डायरेक्ट हम लोग तो चलते आप लोग हैं। बिहार से ये सोच के आ गए? हम लोग तो ऑनलाइन डिलीवरी भी करवाते हैं। बिल्कुल काफी दूर था, लेकिन ऑनलाइन तो ठीक है, वो तो फोन पे बातचीत होती है और आप भेज देते, मैं पेमेंट लगा, लेकिन सेटिस्फाइड तो नहीं होता सही मैं, बात, लेकिन मैं जो पहले मशीन यूज कर रहा हूँ, सो मेरे फ्रेंड जो है सोनू वो यूज कर रहे हैं, तो अभी और आपके जो मैं मशीन यूज कर रहा हूँ और अभी वाले मशीन में मैं देखना चाहता हूँ कि फीचर्स कुछ अलग है जी या सेम है, या क्वांटिटी बढ़ गया हो आटा सानने का या मैदा गूंथने का समझ गया। या मतलब क्रीम आपके बनाने पास का। कुछ सारे क्वेश्चंस हैं, वो चीज जी क्लियर करना जी चाहते हैं कि जी जी भाई मार्केट में हाँ औरों में और मेरे में क्या डिफरेंस है। ये तो बिल्कुल, बहुत बढ़िया, और अच्छा किया कस्टमर आपने। को मैं बेटर से बेटर चीज़ जो है, मैंने सोनू को कहा कि अच्छे चीज़ दोगे, अच्छे चीज़ प्रोवाइड करोगे तो काफ़ी आगे भी डिमांड है और ऑर्डर्स आते रहेंगे, तो उसके लिए तो एक अच्छी मशीन की ज़रूरत है। जी, आपका मतलब समझ में आ गया कि मतलब आप लोग भी क्वालिटी में डील करना चाह रहे हैं, तो आप क्या प्रोडक्शन भी बढ़ाना है और आगे प्रोडक्ट भी क्वालिटी वाला जी बनाना है। तो इसलिए आप इतनी मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं और ढूंढा अपने की क्वालिटी मशीन कौन देगा। जब बिल्कुल, आप बिल्कुल सही जगह हैं। चलिए बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ एक प्रोडक्ट एक चीज ऑर्डर। मैं और भी कहना जी जी चाहता हूँ। बताइए। अभी मैं जब इन कर रहा था तो कुछ कस्टमर थे, तो मैं उनका बात ही सुन रहा था,
वो मशीन ले गए थे और भी बात बताई कि 5 सालों से कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो मुझे अंदर से लगा कि मैं सही जगह है। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं नोटिस करता हूँ, मैं ऐसे नहीं, मैं देखा कस्टमर को कि कम से कम उनका तो क्या रिकॉर्ड, वो 5 साल से यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया तो मुझे लगा सोनू डन, अब यहाँ पे हम लोग जगह पर आ चुके हैं। जी जी जी, वो तो बाय लक था, नहीं तो मुझे फिर वही समझाना पड़ता रहा, क्वालिटी खराब, वो बाय लक था कि वो कस्टमर। तब मैं समझ गया कि अब मुझे समझने की ज्यादा जरूरत नहीं। जी चलिए, मैं आपको पूरा फोटो दिखा, बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं देखना चाहूंगा। 30 लीटर मिक्सर था, 20 लीटर था आपका, 20 लीटर, 20 लीटर, मैं वो दिखाता हूं। पहले तो आप हमको ओवन दिखाइए। ठीक, पहले हम ओवन देखो, सेट करेंगे वो 2 डेग तो फोटने वाली बात है, वो दिखाइए। यही 2 डेग फोटे है जी, यही। अच्छा अच्छा सुनू, हाँ तो यही दिखाते, यही दिखाते हैं। हाँ, 2 डेग फोटो डाउट लग रहा नहीं, यही है, यही है, हम यूट्यूब पे देखते रहते हैं। अच्छा, यूट्यूब वगैरह सारा देखते हैं, सारा वीडियो, सारी वीडियो आपका देखते रहते हैं। यही मुझे दिखाया और बहुत दिनों से फोर्स कर रहा था, चलो यार बहुत ही दिक्कत हो रहा है, चलो रिव्यू वगैरह तो अच्छा ही दिख रहा है, तो रेट भी हमको कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है, कंपेयर करने के बाद तो आप क्वालिटी अच्छा। प्लीज इसके बारे में देखिए, इसे कहते हैं 2 डेक 4K। ओके, मतलब 1 डेक 2 डेक, मतलब डेक एक पार्ट को डेक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 ट्रे जाता है 16x24 इंची का, इसके अंदर भी 2 डेक 4 ट्रे जाता, चाहे तो 4 डाल सकते हैं। एग्जैक्टली, अगर 16x24 का आधा कर दे तो 12x16 हो जाएगा, राइट। अच्छा, मीडियम साइज का जैसे पिज्जा हम 12 डाल सकते हैं, 8 इंची का, 8 इंची का, 8 इंची का इसके अंदर 12 डाल सकते हैं। आप इतनी दूर से बिहार से आप लोग यहाँ आए तो किसी कारण से है, राइट, ये ऐसा क्या डिफरेंस है, ऐसा क्या बात है हमारे ओवन में और बाकी के ओवन, राइट। ऐसी वीडियोस में बनाता रहा हूँ, आपने देखा भी होगा, पर मैं आज आपको टच और फील करवा के दिखाता हूँ। लेकिन आज जरा ये क्या है, ये है बर्नर। अच्छा, ये दिखाओ, ये भी है बर्नर, ये है चाइनीज ओवन में यूज होता है बर्नर। अच्छा, लोहे का है ये, आप टच कीजिए आपको समझ में आएगा, और ये हमारा स्टील का। अच्छा, देखिए एक तो कैमरे में वीडियो में देखने में डिफरेंस है, और एक ऐसे देखने में छू के देखने में डिफरेंस है, देखो राइट। अब इसमें क्या होता है, ये होल्स कभी फटेगा नहीं। अच्छा, पर इसका फट जाएगा और फ्लेम बेकार निकालेगा, जिसकी वजह से ब्लास्ट भी होता है, जिस वजह से गैस ज्यादा एक्सेस हो जाता है, और ब्राउन से आवाज भी आता है, और गैस भी ज्यादा खाता है, मतलब जो गैस जला ही नहीं। जी जी, राइट, तो गैस तो लेगा ही, क्योंकि हीट हुआ ही नहीं उससे, तो गैस कंटिन्यू लेता है इसलिए। पर हमारा जो डेक ओवन है वो 150 ग्राम पर आवर इसका गैस लेता है। ओके, तो ये चीज के अकॉर्डिंग जो है, ये बर्नर डालने के बाद जो है गैस की क्वांटिटी कम जाती है, राइट। और इसके साथ इससे जो है कि दुकानदार को यानी हमें बेनिफिट होगा बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और दूसरी चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा स्ट्रेट बार है, वीडियो में बताया है। यस सर, मैंने देखा। अच्छा, ये पूरा स्ट्रेट बार है, आप इसको देखिए पूरा टेढ़ा मेढ़ा है, पूरे लोहे को पीट कर चद्दर से बनाया जाता है, टेढ़ा है कुछ, राइट, इसको कहीं मोटा है कहीं पतला, ये नहीं, ये स्ट्रेट है पूरा, बिल्कुल। ये अब इसकी वजह से फ्लेमिंग बढ़िया हो रही है। क्या कहते हो भैया, कैसा लगा? ये ऑन ऑफ का स्विच है, ये वाला पावर ऑन ऑफ होगा, उसके बाद इसमें लाइट आ जाएगी। अच्छा, टेम्परेचर सेंस, ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे, ये 2 है ना स्विच, ये लाइट का है, अंदर जो बल्ब जलेगा वो लाइट के लिए, जरूरत है तो बाढ़िए नहीं। हाँ नहीं, और ये जो है हमारा टाइमर, आप लोगों ने बता ही दिया, बारिये ना बिहार में यूज होता है। हाँ, बारिये ना, बिल्कुल बारिये में लाइट, बारिये बारिये बंद कीजिए, ठीक है, चाहे बुझा दो, बुझावल जन ला। ये ऑन ऑफ का स्विच है, और अगर आप टाइमर यूज करना चाहते हैं तो इसको चलाएंगे। अच्छा, ये टाइम मैं सेट कर दूं और ऑटोमेटिक ले लेगा। और दूसरा सबसे मेन चीज, आप गेट खोलिए, बंद कीजिए, आपके पास जो पहला ओवन है ऐसा इतना आराम से बंद होता है? नहीं, ये बहुत स्मूथ है, इससे तो ये हमने बनाया ही इसे, इसलिए है। देखिए भैया, सही में बहुत ही स्मूथ है, वो तो मैं छोटा सा लगता है प्राम से मरता है। अब ये हम इसलिए डिजाइन करवाए हैं, इस गेट पे हमने मेहनत किया है कि ब्रेड जो होता है अंदर, अगर वो झटके से बंद होगा, जैसे हमारा वो बंद हुआ, राइट, तो अगर बंद हुआ तो ब्रेड जो है बैठ जाएगा, तो ये चीज था डिफरेंस हमारे ओवन में। तो आइए मिक्सर भी दिखाते हैं हम आपको। अच्छा, तो भैया ये अपना मिक्सर यही है? हाँ जी, मैं क्रीम
या मैदा जो भी मैं हाँ जी हाँ जी जैसे बेकरी में जो भी हमारा मिक्सर यूज होगा वही से कहते हैं प्लानेटरी मिक्सर। ये है 20 लीटर जैसा आपने बोला था ना 20 लीटर की बैंड है, लेकिन 2 डेक पाउडर के साथ 20 लीटर भी चलेगा 30 लीटर भी चलेगा। ये डिपेंड करता है कि आपने बोला आपके 2 होटल है तो काम ज्यादा होगा आपको, आपके मशीन ऑलरेडी चल रही है तो आपको बढ़ाना ही है काम, तो मेरे हिसाब से आपको 20 लीटर या 30 लीटर जाना चाहिए। बिल्कुल सुनू, कौन सा 20 लीटर तुमको रिक्वायरमेंट है ना, तो एक मिनट आप ऐसा करो दोनों के बारे में थोड़ा सा कंपेयर, थोड़ा सा हम लोग को दुविधा क्लियर कर दें। देखिए रेट का मैं बताऊं, अगर रेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट रेट का मैं वीडियो में नहीं बता सकता हूं क्योंकि देखो ये वीडियो चलेगा आपकी परमानेंट डल जाएगा, अब जब तक मैं डिलीट नहीं करना चाहूँ पड़ा रहेगा, जब 10 साल 20 साल तक भी पड़ा रहेगा। पर हर महीने हर 6 महीने में अभी गवर्नमेंट ने ये जो बजट आया तो रेट बढ़ गया घट गया ये चलता रहता है बिल्कुल शेयर मार्केट के। हाँ तो जब रेट बढ़ेगा तो बढ़ेगा घटेगा तो घटेगा, पर लेकिन अगर मैंने एक प्राइस टैग दे दिया ना इसको वीडियो में वो मैं आपको किताब पे कॉपी में बता दूंगा, अगर आपको प्राइस चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करें या नीचे दिए हुए नंबर 8377000111 पे कॉन्टेक्ट करें, हम आपको प्राइस जरूर दे दें करंट प्राइस। तो हम लोग प्राइस इसलिए नहीं देते हैं कि लोग क्या होता है ना फिर बोलते हैं कि भैया आपने तो ये दिया था और वीडियो होगा 6 महीने पुराना या 2 साल पुराना, वो बोलेंगे कि भैया मुझे तो वही प्राइस पे चाहिए आपने बोला क्यों। बिल्कुल कुछ क्लाइंट बोलते हैं कि भैया रेट बता दो, हम कौन सा बोलते हैं आपको कि हमें पता नहीं कि हम बेवकूफ है, हम जी जी बहुत सारे क्वेश्चन करने लगा, तो हम भी क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं कि मैं भी अगर मैं देख लूं तो मैं भी अड़ जाऊंगा भैया आपने मेरे उस फ्रेंड को आया था उन्होंने मुझे बताया तो मैं तो आप मुझे कुछ अलग रेट बता रहे लोग नहीं देखेंगे 6 साल पहले पुराना बिल्कुल क्योंकि यूट्यूब रिकमेंड कर देता है कभी किसी भी वीडियो को, तो चलो वो मैटर नहीं करता, रेट का तो काफी डिफरेंस है इसके अलावा इसमें आप देखो कि आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना करना है, प्रोडक्ट कितना बनाना है, तो मेरे हिसाब से मेरा सजेशन रहेगा कि 30 लीटर के साथ जाए। सुनो ऐसा करते हैं ना, देख 20 kg वाला लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन आने वाले फ्यूचर में इन फ्यूचर हम लोग चाहे अगर काम होता है ना कभी कभी ऑर्डर जाता है और प्रेशर भी ज्यादा है तो उस वक्त तुमको यही काम आएगा 30 लीटर वाला यही कर देते हैं। हाँ तो यही अच्छा था क्योंकि इसमें ऑप्शन है नहीं, इसमें हम घटा सकते हैं बढ़ा सकते नहीं है, तो ये जो है परफेक्ट रहेगा। ठंडी अब आने वाला है, अब सीजन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है तो काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा इसमें आपको से एक मेरा सवाल है, इसमें मोटर कितने एचपी का है ये बताएंगे जी? इसमें आपका मोटर जो है 1.1 किलोवाट का यहाँ पे वाइंडिंग हुई है कॉपर कॉइल के साथ, इसमें जो गरारिया है इसमें 8620 मेटल यूज हुआ है जो कि मैंने आपको दिखाया। अच्छा हाँ वो मैंने जो आपने बताया था लोहे और उसमें स्टील मिक्स है। यस मैं दिखाता हूँ आपको, आप दिखाइए ज़्यादा। तो ये आप देख सकते हैं ये दोनों में डिफरेंस कितना है, बिल्कुल राइट। ये आप टच करके बताइए कि कौन सा हैवी है कौन सा बेटर है, ये तो आवाज से पता चलेगा, आप पता करके देखिए। ये दांत तो मुझे कमजोर लग रहा है, ये दांत थोड़ा इससे हैवी इसका दांत ये तरफ तो है, और दोनों में अंतर भी बहुत आ रहा है देखो आपको मैं। अच्छा अंतर ऐसे तो हमको नहीं पता चल पाएगा, आप ही बताओ अंतर। आपने बिल्कुल समझा कि इसका साथ कमजोर है, बिल्कुल सही है, पर अगर हम इसको कभी भी मजबूत लोहे को पता चल रहा ये अच्छे इसमें थोड़ा सा बरसन आवाज जो है फैलता है। यस और इसमें हाँ। ये बस डाउन हो गया टक करके रह गया बिल्कुल ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस यही है। और मैं तो कहता हूँ टेस्ट करा लो लैब में अगर लेके जाना चाहते हो सैंपल, 8620 मेटल देखिए भैया, जहाँ विश्वास न हो वहाँ टेस्ट कराते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अभी तक मैंने रिव्यू जितना भी देखा वीडियो भी देखा तो इस हिसाब से मैंने बहुतों देखा, लेकिन आपको मैंने क्यों चूज किया और यहाँ मैं आके देखना चाहता था खुद, तो मुझे लगता है सब कुछ मुझे प्रॉपरली अच्छा मिला जी। और अभी तक मैं जो बताया और दिखाया वो भी अच्छा लगा, क्या सुन बहुत अच्छा लगा। आपने जैसा मिक्सर देख लिया ओवन देख लिया हमारे सारे प्रोडक्ट्स में आपको दिखा देता एक विजिट दिखा देता हूँ। आपको कब तक मटेरियल चाहिए? जितना जल्दी कर दीजिए। चलिए मैं मंडे डिस्पैच करा पाऊंगा क्योंकि कल देखो कल संडे है, कल छुट्टी है, तो पैकिंग वगैरह रह जाता है, आपको मैं मंडे डिस्पैच करा दूंगा, पैकिंग वगैरह थोड़ा अच्छे से करवा दीजिए ठीक है। बाकी मैं जो भी देखिए बिहार जाएगा हमारे यहाँ तो अच्छे से पहुँचा, सेफ एक्सप्रेस और गति का हम सर्विस यूज करते हैं, अभी तक कोई शिकायत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत। ओके तो ठीक है ठीक है। अब दो चीज यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो पेमेंट मैंने बना दिया था सारा बिल बना दिया था, तो आप मुझे पेमेंट करवा दीजिए।
थोड़ा सी कमेंट कर दीजिए उनका। ऐसे तो घिना हुआ है, ठीक है, चलिए ठीक है, आप देख लीजिए एक बार अपना कॉस्ट मिला लीजिए, ठीक है, एक बार बिल दे तू। हाँ बिल देख लीजिए, ऐसा तो कुछ कहना नहीं है हमें जी। जहाँ तक का आपका रेट है और जहाँ तक का क्वालिटी है, दोनों को देखा जाए तो परफेक्ट है और अच्छा है। चलिए देखते हैं फिर क्या जो है आपके यहाँ से हम ले जाएं। जरूर जरूर सर, देखो अभी तो छोटे मशीनों से जुड़ रहे हैं, बाकी तो आगे भविष्य में तो हमारा यही है कि अब आने वाले इन फ्यूचर सारा मशीन आपके यहाँ से जाए। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट, और हम लोग जुड़े रहेंगे किसी भी जदीद तरीके से। और रही बात तो वीडियो के माध्यम से, अब तो याद ही रहेंगे आप लोग जी, क्योंकि बहुत से कम क्लाइंट हैं जो याद रहते हैं, तो आप तो याद ही रहोगे। तो याद ही नहीं रहेंगे, एक रिश्ता के तरह हम लोग जुड़े रहेंगे। जरूर जरूर सर, मजबूत रहेगा हम लोग की रिश्ता। चलिए ये लीजिए बिल है, ये पैसा कितना बताया आपने ना है। अच्छा। बिल्कुल आपने जो बिल के अकॉर्डिंग आपने इस पर मिला लो, ठीक रहेगा। आप कोई नहीं, कोई चलिए ठीक पैसा, बाकी कुछ मैंने आपका ये ऑनलाइन पेमेंट किया, कुछ पैसे दे दिया मैंने, ठीक है। आप कैश ज्यादा नहीं ले सकते ना, ओके ठीक है। ये बिल आपका हो गया, तो हम कल डिस्पैच करवाते हैं। बिल्कुल जो हो पैकिंग हो अच्छा से हो, ठीक है, यही उम्मीद करेंगे। ठीक है।